हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, नीट का रजिस्ट्रेशन चालू है। इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए। देखिए, ये आर्टिकल भी छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, नीट 2022 कैंडिडेट 6 से पोस्टपोनमेंट, ठीक है ना। अब बच्चों का यही कहना है कि इनको इनफ टाइम नहीं मिला। देखिए, मेनी कैंडिडेट से दे डिडंट हैव टाइम टू प्रिपेयर आफ्टर द बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो ये है कि अब देखिए, अब एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, जी मेन था वो रीशेड्यूल किया गया है, ठीक है, और ये हो सकता है जुलाई में हो। तो बच्चों का ये कहना है कि ये शिफ्ट हो गया तो क्या नीट का पेपर भी शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, आप लोग को यही लेकर चलना है कि पेपर जो है 17 जुलाई को होने जा रहा है और 90% कन्फर्म है, और इसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और चेंज होने का बहुत ही कम चांस है, ठीक है, क्योंकि कोई ये रीज़न नहीं है कि आपको टाइम कम मिला और इस बिहाफ पे चेंज किया जाए। जहाँ तक नीट, जहाँ तक जी की बात है, जी मेन का, ये इसलिए रीशेड्यूल हुआ है कि क्योंकि पेपर क्लैश कर रहा था दूसरे पेपर के साथ, ये मेन रीज़न था, इसके वजह से ये शिफ्ट किया गया है और रीशेड्यूल का डेट आएगा इसका, जी मेन्स का। लेकिन अगर आप बात करें नीट का पेपर का, तो ये जो है इसका, देखिए नीट 2022 बच्चे भले ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मतलब मेरे विचार से ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपके पास टाइम कम मिला और इसके वजह से पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ही डिले चल रहा है कोविड की वजह से। ये जो पेपर है वो मई में हो जाता था, फर्स्ट वीक में, आपको पता है, और जून से काउंसलिंग शुरू हो जाता था, लेकिन अब जो है जुलाई में होगा और अगस्त सितंबर से तक काउंसलिंग शुरू होगा। तो ये है, अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए, ठीक है, और यही आप लोग तैयारी कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए, और कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।